हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र में नागपुर में अधिवेशन शुरू है और जैसा कि आज फ्राइडे है, लेकिन लगातार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं विधानसभा सत्र में कि कार्रवाई रुकती ही जा रही है, थमती ही जा रही है। कि जैसा कि पुणे से एक आमदार है बीजेपी से, जिनकी कल डेट हो गई, तो उनको आज सदन में श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि सैटरडे और संडे आ गया है कल, तो सैटरडे और संडे की छुट्टी है। आप देख सकते हैं विधानसभा का ये पैरामाइस आपको नजर आ रहा है, पूरा शांति से भरा हुआ माहौल है। वरना यहाँ पे मीडिया का एक हुजूम होता है, चाहे आज तक हो, चाहे NDTV हो, चाहे BBC हो, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल चैनल है वो लगातार यहाँ न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम आपको सीन दिखा रहे हैं, ये पूरा शांत एरिया है। यहाँ पे इंडिया फैक्ट न्यूज से नावेद आजमी साहब, NNTV से फरीन शाह भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा ये पैरामाइस घुमा देते हैं कैमरे का एंगल चेंज करके। तो ये देखिए विधानसभा सत्र, आज यहाँ एक हादसा हुआ है। एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता से उसे बचा लिया गया। उसका वीडियो हम थोड़ी ही देर में NNTV के YouTube चैनल और Facebook पेज पर अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करेंगे एक ऐसे रिपोर्टर से जो पूरे विधानसभा